नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 17 जनवरी 2022 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि में, अभी भी चंद्रमा मिथुन राशि में बने हुए हैं। केतु वृश्चिक राशि में, मंगल और वक्री शुक्र धनु राशि में, सूर्य शनि और वक्री बुध मकर राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान है। बुध और शुक्र के वक्री होने के कारण और सूर्य शनि के एक साथ होने के कारण खासकर जो शुक्र बुध और शनि के ग्रुप के लोग हैं, जैसे वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन लोगों की स्थिति कमजोर हुई है। बाकी सामान्य और खराब, मतलब बहुत अच्छी ग्रहों की स्थिति बिल्कुल नहीं है तो किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सावधानी बरतनी पड़ेगी। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार, व्यापारिक चढ़ाव, अच्छी स्थिति, संतान और प्रेम पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आपकी स्थिति अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आगे बढ़ रहे, सूर्य को जल देते रहे। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, प्रेम की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं, व्यापार आपका ठीक चल रहा है, काली जी को प्रणाम करें और हरी वस्तु पास रखें। मिथुन राशि, स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, बहुत ध्यान देकर के आगे बढ़ें, बच्चों के सेहत और प्रेम में भी तुतु मैमी की स्थिति दिख रही है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं और जीवन में शुभता बरकरार रहेगी, बहुत परेशान ना हो, पीली वस्तु का दान करते रहे। कर्क राशि, ऐसे तो किसी बड़ी परेशानी या स्वास्थ्य की संबंधित कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इम्यून सिस्टम लो है, वीकनेस लगेगी, शक्ति की कमी महसूस करेंगे, प्रेम में दूरियां और संतान की स्वास्थ्य को लेकर के मन परेशान रहना, ऐसा दिखता है। व्यापार और व्यवसाय भी मध्यम दिख रहा है। बजरंगबली को प्रणाम करते रहें और अगर हो सके, संभव हो तो शिवजी का जलाभिषेक करें। सिंह राशि, आय में आशातीत सफलता, बट स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है, प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहें और पीली वस्तु पास रखें। कन्या राशि, स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, अभी भाग्य पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, अत्यधिक कर्म करना पड़ेगा रिजल्ट पाने के लिए, प्रेम में तुतु में, बाकी व्यवसायिक स्थिति आपकी रुक रुक करके आगे बढ़ती रहेगी और आप अच्छे चलते रहेंगे, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, बचाव पक्ष कमजोर है, इसलिए किसी तरीके के कोई रिस्क मत लीजिएगा, प्रेम की स्थिति सही है, व्यापार भी आपका सही चलता रहे, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम और व्यापार की स्थिति अच्छी है, लेकिन बस एक दिन जोखिम भरा है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और किसी तरीके से शारीरिक जोखिम मत लीजिएगा, लाल वस्तु पास रखिए, बजरंगबली को प्रणाम करिए। धनुराशि के लिए सुखद समय, जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम और संतान की भी स्थिति अब बड़ी अच्छी हो गई, बड़ी समीपता आ चुकी है, लाल वस्तु पास रखें। मकर राशि, शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, लेकिन अभी व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यम समय, संतान के दृष्टिकोण से मध्यम समय, फिर भी आप मैनेज कर लेंगे चीजों को और बहुत जल्दी बहुत अच्छा हो भी जाएगा, काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, मन व्यथित रहेगा, बेचैनी इस समय बढ़ी रहेगी, स्वास्थ्य नरम गरम बना रहेगा, कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन प्रेम और संतान की स्थिति को लेकर के मन बहुत व्यग्र रहेगा, बाकी सारी चीजें ठीक है, गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मीन राशि की स्थिति ठीक कही जाएगी, बट कलह से बचना है,
स्वास्थ्य नरम गरम बना रहेगा, प्रेम की स्थिति और संतान की स्थिति ठीक है, व्यापारिक लाभ होता रहे, हरी वस्तु का दान करते रहे। नमस्कार।